मड़ौत कस्बा स्थित पंचायत मुख्यालय पर ग्राम विकास अधिकारी संजय गुप्ता के एक वार्ड पंच के प्रति बिगड़े बोल के कारण मौजूद वार्ड पंचों ने आयोजित पाक्षिक बैठक का बहिष्कार किया। साथ ही वार्ड पंचों ने सरपंच पूजा निम्बोरिया व ग्राम विकास अधिकारी को खरी खोटी सुनाई। पंचायत के वार्ड पंच राधेश्याम लखीरा, रामकिशन शर्मा, बसंत लाल, ईशान सिंह चौहान, आशा शर्मा, मंजू अनीता, सुमित्रा मीणा, मुकेश वर्मा सहित पंच प्रतिनिधि श्याम सिंह, बबली शर्मा, हवा सिंह मीणा, राजेश कुमार सहित अन्य ने बताया कि गत महीनों पूर्व ग्राम पंचायत में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान ग्रामीणों के पट्टे के लिए दिए गए आवेदनों के पट्टे जारी करने के लिए वार्ड पंच मनफूल सैनी ने ग्राम विकास अधिकारी संजय गुप्ता को पट्टे जारी करने के लिए बोला था। ग्राम विकास अधिकारी ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए कहा कि नहीं बनाऊंगा और चालू बैठक में पंच मनफूल सैनी को बाहर जाने के लिए बोला, जिस पर मौजूद वार्ड पंच बिफर गए। मौके पर वार्ड पंचों की सरपंच प्रतिनिधि छोटेलाल बड़ोदिया, सरपंच पूजा निम्बोरिया से गैर जिम्मेदारा रवैया को लेकर नोकझोंक भी हुई। बाद में वार्ड पंचों ने बहरोड विकास अधिकारी के समक्ष जाकर ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी संजय गुप्ता के खिलाफ पद का दुरुपयोग करते हुए अभद्रता करने पर कार्यवाही करने के लिए एक लिखित शिकायत पत्र भी सौंपा। सर जी, ये मामला है, ग्राम पंचायत में जो कैंप लगा था उसमें करीब 350 फाइल आई थी, जिसमें कैंप के टाइम हमने पट्टे बांट दिए थे। उसके बाद जो फाइलें बची उनका मैंने मौका निरीक्षण कर लिया, पंचों की रिपोर्ट ले ली और उस विज्ञप्ति जारी कर दी। विज्ञप्ति जारी करने के बाद मेरे पास कोई भी कार्रवाई खुली नहीं थी जिसको कि मैं इसका अनुमोदन करके पट्टों को जारी कर सकता था, इसलिए ये पट्टे पेंडिंग में रखे हुए हैं। अभी एक दो पंच आरोप लगा रहे कि आप पंचों को पंचायत बैठक से बाहर कर रहे हैं। भाई साहब, मैं किसी को बाहर नहीं कर रहा, उनका अधिकार है पंचायत में बैठे, मगर मेरे को ये आज एसडीएम की रिपोर्ट बनानी थी। मैंने कहा पहले मैं रिपोर्ट बना लेता हूँ। आपने ये कहा या नहीं कहा? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, जब वो बोले थे जब जाकर मेरे को बोलना पड़ा, मेरा ऐसा कोई वो नहीं था उसमें विचार। आपने बाहर जाने के लिए बोला था? इन्होंने पहले ऐसे बोला था कि एसडीएम रिपोर्ट आई है तो मैं पहले ये 5 बजे तक देनी है तो मैं पहले ये तैयार करके फिर पट्टों को चढ़ा दूंगा, लेकिन इन्होंने पंचों ने ये बोला कि पहले पट्टे चढ़ाओ, ये रिपोर्ट नहीं चढ़ाने देंगे। तब इन्होंने बोला पहले पट्टे नहीं बनाऊंगा, पहले मैं ये रिपोर्ट दूंगा, बस ये बात नहीं थी और कोई बात नहीं। सेक्रेट साहब ने आपने पंचों को बाहर जाने के लिए नहीं बोला? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला इनको। सेक्रेट साहब ने? सेक्रेट साहब ने तो मैंने भी ऐसा कुछ नहीं बोला, पहले मैं ये रिपोर्ट बनाऊंगा और फिर बाद में। मामला है कि गांव के संग जो प्रशासन था उसमें पट्टे के आवेदन आए थे, वो पट्टे अभी तक पेंडिंग है और सरपंच साहब और सेक्रेटरी साहब मिलके है और उनको पट्टे जारी नहीं कर रहे। गांव परेशान हो रहा है, एक फाइल पे लगभग 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए खर्च हो चुके हैं और गरीब आदमियों को बेचारे परेशान है, चक्कर लगा लगा थक गए। आज चल रही हूँ मीटिंग में, मैंने कहा साहब आप पट्टे बनाओ, नुकलो नहीं बनाऊंगा मैं, उन्होंने कहा लाइव कहा है नहीं बनाऊंगा और मेरे को चल रूँ मीटिंग से बोला कि आप बाहर निकल जाओ। आप उन्होंने कहा, मैंने अभी वीडियो साहब से फोन पे बात की है, उन्होंने कहा कि आप आ जाओ और मुझे लिखित में शिकायत दो, तो हम सभी इस मीटिंग का बहिष्कार करके सब पंच एक मत होके बाहर आ गए। क्या कारण है पट्टे नहीं बनाने का? वो तो उनकी तानाशाही है, तानाशाही है। अच्छा अच्छा, ये कब से चल रही है? ये 3-4 महीने हो गए, गाँव के संघ प्रशासन लगे हुए 3-4 महीने हो गए लगभग जी, उसके उसमें आवेदन आए हुए, उसके आवेदन के अभी तक एक पट्टा जारी नहीं हुआ। फिर आपने उच्च अधिकारी को शिकायत की? अभी मैंने वीडियो साहब को फोन करके अवगत करवाया है, उन्होंने कहा आप मेरे पास आ जाओ, लिखित में ये कंप्लेंट दो, मैं इसकी जांच करवा